अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको जो नज़र आ रही है वो मस्जिद किबला तैन है, जहाँ पर हमारा पहला किबला हुआ करता था। फिर काफ़ी सारी लंबी स्टोरी है, फिर कुछ लोगों ने बातें की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे यहाँ पर दो नफल पढ़े, तो यहाँ का फिर किबला को चेंज किया गया। ठीक है, पहले हमारा ये किबला तैन हुआ करता था, मस्जिद किबला तैन इसको कहा जाता है। आपको इसकी ज़ियारत करवाते हैं, चलिए अंदर, यहाँ पर दो नफल भी अदा करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं सारा अंदर से। ये भाई बसें भी यहाँ पर खड़ी होती हैं, याद रखें अपनी अपनी बसों का नंबर याद करके जाना आपने। ठीक है, अपनी अपनी बसों का नंबर आपने याद करके जाना है, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बसें होती हैं, पता नहीं चलता, आप किसी दूसरी बस में बैठ जाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा, आपको अपने होटल का भी पता नहीं चलेगा। तो कोशिश करें कि अपनी बस का नंबर याद कर लें। वो दूसरी तरफ औरतों के लिए बनी हुई है मस्जिद, जहाँ पे औरतें नमाज पढ़ेंगी, और इस तरफ मर्दों के लिए बनी हुई है, जहाँ पर मर्द अपने नवाफल अदा करेंगे। आप अंदर से भी दिखा देते हैं, बसों का खसूसी ध्यान रखें, बसों का लोगों को अक्सर भूल जाता है, फिर बहुत मसला हो जाता है। बसों का आपने ज़रूर ध्यान रखना, ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि सिर्फ यहाँ पर मर्द जा सकते हैं, औरतें नहीं जा सकती। ये गेट है इनका, चलिए आपको अंदर दिखा देते हैं, इतना टाइम नहीं होता, 15 से 20 मिनट सिर्फ मिलते हैं यहाँ पर नफल अदा करने के लिए। तो वो नीचे वजूखाना भी बना हुआ है, ये देखिए वजूखाना भी बना हुआ है, जहाँ पे लिखा भी हुआ है यहाँ पे आप वजू करेंगे, उसके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाएंगे, आप नफल अदा करेंगे। तो देखिए भाई, ये जेर तमीरा लगता है इसको बढ़ाने के लिए, ये ऊपर इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि टूरिज्म बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है ऊपर इमेंस प्रेयर, यहां से आप अंदर जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नफल अदा किए थे, तो हमारा किबला चेंज हो गया। अंदर से भी दिखाएंगे आपको, बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये एंट्री है, अगर आप दिखा हुआ मस्जिद किबला तैन अल मदीना मनवरा, ये देखिए क्या कमाल की चीज़ें लगाई हुई है, मेरी फनोस गुम्बद देखें ऊपर, सुभान अल्लाह। यहाँ पे हर जगह पर कुरान पाक पढ़े हुए हैं, ये देखें, अगर किसी ने कुरान पाक पढ़ने हैं तो कुरान पाक भी यहाँ पे पढ़ सकता है, दो नवाफल अदा करें कुरान पाक पढ़ें, पानी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर बैठ के जुम्मा का खुतबा दिया जाता है, ये चारों तरफ ये अलमारियां बनी हुई हैं और यहाँ पर कुरान पाक पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मस्जिद में बोलने की इजाज़त नहीं होती ज़्यादा, इसलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आप सिर्फ जाना ज़ियारत करें और दुरूद शरीफ पढ़ें। Thank you.
ये हमारे आदरणीय नायक इधर से आ जाए, आज इधर से आ जाए। और ये हमारे साथ बाबा जी हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे अगर पानी पीना हो तो भाई पी सकते हैं। तो जी आपकी ज़ियारत कंप्लीट हो गई है, आप इधर से भी देखें मस्जिद किबलातैन, जिसके दो मीनार हैं और दो गुंबद हैं। यहाँ पे पानी वगैरह पीना हो अगर हर जगह पे लगी है, डस्टबिन में कूड़ा वगैरह फेंकें, जूते बाहर उतार के जाएं। खास करके आपने ध्यान रखना कि बस ना आपको भूल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपने ज़ियारत कर ली।